बलिया से हैं बाबू नारायण झा। स्वागत है सर आपका। नमस्कार चंद्रा जी। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जय हिंद बाबू जी। बहुत बहुत आपका स्वागत। बाबू नारायण झा मेरा नाम है सर। बाबू नारायण झा जी। जी मेरे दो सवाल है मेरे। बताएं। एक पहला सवाल है कि जो मून स्याह कितने दिनों तक खाना चाहिए। और दूसरा सवाल है कि जैतून का सिरका जो है वो कौन कौन चीज में खाया करता है, ये दो का जवाब चाहिए। ठीक है जी। गौन स्याह ज्यादातर 3 या 6 महीने इस्तेमाल करने से आदमी को फायदा हो जाता है। गौन स्याह 3 या 6 महीने इस्तेमाल करने से आदमी को फायदा हो जाता है। गौन स्याह इस्तेमाल करने वाले लोगों में कभी कभी आदमी को एक ही महीने में फायदा हो जाता है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि 3 महीने ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जब आपका तकलीफ़ चली जाए तो गौन स्याह चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो इससे ज़्यादा भी लिया जा सकता है। नमक जैतून के फ़ायदे आपने पूछे हैं। नमक जैतून के 10 से 12 फ़ायदे होते हैं। देखिए, नमक जैतून एक तो हमारा पेट का आंतों का वर्म निकाल देता है, पेट का आंतों का और मैदे का वर्म दूर कर देता है। दूसरा, एसिडिटी कब्ज़ बवासीर को दूर कर देता है। दूसरा, लीवर बढ़ जाना, लीवर में कोई बीमारी होना, लीवर में जॉन्डिस होना, यानी पीलिया का भी दुश्मन है ये, लीवर जो बढ़ जाता है उस बीमारी में भी फ़ायदा करता है। लीवर को उसकी जिम्मेदारी से काम करना सिखाता है। किडनी का बड़ा दोस्त है, किडनी को और खून को बड़ा साफ रखता है। इसीलिए ये क्रिएटिनिन में भी, बढ़ी हुई क्रिएटिनिन में भी आदमी को फ़ायदा देता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसको नमक जैतून को अगर खाने के सोडे के साथ लिया जाए तो इसको ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है। अगर इसको धनिए के साथ लिया जाए तो ये थायराइड को फ़ायदा करता है। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है या किसी बच्चे बच्ची को मुहासे या दाने निकलते हैं, और इनके लिए भी फ़ायदेमंद है, ये बालों के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है जी। आपने जैतून के नमक के फ़ायदे तो बता दिए, जैतून के सिरके के भी बता दीजिए हकीम साहब। जैतून का सिरका हमारे खून को पतला करता है, हमारे दिल को मजबूत बनाता है, हमारी डायबिटीज़ को और हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जैतून का सिरका हमारे पेट के लिए और लीवर के लिए भी मुफीद है। तकरीबन 1 से फ़ायदे हैं इन चीज़ों के जी।